बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर बाजार समीप 19 जून की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने न्यायालय के परिचारी सह महादेवा थाना क्षेत्र के महादेवा मिशन निवासी राकेश कुमार और गोल्डन मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शोकाकुल परिजनों से मिलने के लिए रविवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सिवान के महादेवा मिशन पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से विधिवत रूप से बातचीत की तथा इस संदर्भ में उन्होंने सिवान पुलिस कप्तान से उनके मोबाइल फोन के जरिए दर्ज कांड का त्वरित निष्पादन करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर हमने पूर्व में भी मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और आज भी सिलसिले में सिवान के लौटने के बाद बातचीत करूंगा। हमारे परिवेशक संवाददाता के अनुसार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एसपी से किन बिंदुओं पर अनुसंधान करना है इस संदर्भ में भी बातचीत उन्होंने की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेकर काफी गंभीर दिखे। साथ ही आरोपित मुन्ना चौधरी को किस हालत में अस्पताल में रखा गया, इस पर भी उन्होंने विधिवत रूप से चर्चा की। यहां बताते चले कि हत्या के बाद मृतक के भाई अजय कुमार ने 3 लोगों को नामजद कर प्राथमिकी कराई। नामजद में बासुपाली छपन टोला सह वर्तमान महादेवा मिशन निवासी मुन्ना चौधरी उर्फ अजय चौधरी, मुन्ना चौधरी के पिता इंद्रदेव चौधरी व मुन्ना चौधरी का बेटा शामिल है, जिसमें पुलिस ने मुन्ना चौधरी को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। इसका इलाज पुलिस अभिरक्षा में पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार राकेश की हत्या भूमि विवाद को लेकर हुई है। प्राथमिकी में मृतक के भाई अजय कुमार ने बताया कि मेरा भाई राकेश कुमार एडीजे 1 के न्यायालय से घर आया। करीब लगभग 1:20 पर मेरी छोटी बहन को बाइक से बीएड कॉलेज अलमोरी में परीक्षा दिलाने हेतु लेकर गया। इस बीच में मीरगंज से लौटकर आ रहा था, तभी अमलोरी व छोटपुर बाजार के बीच में सिवान गोपालगंज रोड पर भीड़ देख कर रुका तो देखा कि मेरा बड़ा भाई राकेश कुमार घायल हालत में छटपटा रहा था, तो मैं अपने भाई के पास पहुंचकर उसे उठाने लगा। इस दौरान मेरा भाई मुझे देखकर बोला कि बाबू 3 लोग बाइक से मुझे पीछा कर ये कहते हुए गोली मार दिए और जाति सूचक गाली देते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुन्ना चौधरी से पंगा ले रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहा। उसके बाद मेरा भाई बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से मैं अपने भाई को स्कॉर्पियो से लेकर सदर अस्पताल आया, जहां डॉक्टरों ने मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया। आवेदन में बताया कि घटना का कारण यह है कि मेरे पूर्वजों के समय से जिस भूमि पर हम लोगों का करकटनुमा घर था, उसको मुन्ना चौधरी व उनके परिवार के लोग बल प्रयोग कर अपने राजनीतिक पहुंच के बल पर हटा दिए। उसका हम लोग अपने अधिकार के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका बेटा हमेशा धमकी देता। मुझे विश्वास है कि मेरे भाई की हत्या मुन्ना चौधरी इंद्रदेव चौधरी व मुन्ना का बेटा ने हत्या की है। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। इस जानकारी को निकालने की जरूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं जरूर स्पष्ट तौर से कहूंगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर इसमें भी अगर कोई सत्य निकला, तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद सरकार भी, मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है, इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है, एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो साजिश रचेता है, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जो हत्या हुई थी, 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को सामने रख करके वहाँ पे अकेले की कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनकी बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली के निशान से 6 गोली। जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है, तो इसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई
बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम। सर आप केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नौकरी की क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब है भाई, वो किया जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सर एक सवाल, आपके आने से आधे घंटे पहले महाराजगंज जो रेलवे फाटक है वहाँ पे एक अपराधी ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया, तो सीवान में लगातार अपराधी ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों 5 हत्या हो गए तीन एक परिवार में। इसकी भी जानकारी लेकर प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की जरूरत है। और अगर लापरवाही अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी बढ़ती जा रही है और अगर ऐसी घटनाओं को रोकने में कहीं से अगर उनकी भी कमजोरी दिखती है तो उनपे भी कार्रवाई की जाएगी। घटना पे कुछ कहेंगे भाई? हाथरस की घटना नाम नहीं, हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रशासन भी लापरवाह रहा है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर आ रहे थे तो उचित वहां पे सुविधाएं वहां पे व्यवस्था की जानी चाहिए थी जो व्यवस्था की नहीं गई। शुरुआती दिनों में पार्लियामेंट में सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने इस पे अपनी तरफ से इस पे शोक जताते हुए इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा दिया गया। प्राथमिक दौर पर हम लोगों की प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनके इलाज में कहीं कोई कमी ना हो। आज जब उन लोगों का इलाज ठीक से हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे इंक्लूडिंग बाबा अगर ये भी अगर उसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। राहुल गांधी पे क्या क्या कह के गए हैं? चिराग भैया बोले हैं कि शूटर जल्द से जल्द पकड़ाएगा, एक हफ्ते के अंदर में एसपी सर से बात किए हैं और चिराग भैया बोले हैं कि भैया का न्याय जल्द से जल्द मिलेगा और बोले हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी भैया को। और कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि हमको चिराग पासवान न्याय दिलाएंगे और चिराग पासवान आज आ गए आपके दरवाजे। दिलाएंगे मुझे भरोसा है, भरोसा है मेरे को कि चिराग भैया न्याय दिलाएंगे। डिमांड था कि चिराग जी को बुलाया जाए, सो आज हमारे पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं और पीड़ित परिवार से मिले हैं और जो भी सफल काम होगा वो कही। 20 दिन हो गए आज लगभग, अभी तक शूटर नहीं पकड़ाया, अभी तक जो लाइनर का काम किया अभी तक नहीं पकड़ाया है और अभी तक मुन्ना चौधरी बस गिरफ्तार हुए हैं और वो भी सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है। उम्मीद है बाबू, उम्मीद है आपको चिराग जी से? उम्मीद है, मेरे को विश्वास है कि चिराग भैया दिलाएंगे न्याय हम लोग का। मुन्ना चौधरी क्यों हत्या कर रहे हैं? मुन्ना चौधरी जमीनी विवाद था मेरे भैया से, 1.5 साल पहले नोक झोंक हुआ था, 1.5 साल पहले मेरे भैया से नोक झोंक किया था और मेरे भैया को हमेशा झगड़ा लड़ाई करता था और जानबूझ के मेरे भैया को चुप से कैसे आके जाके कॉलेज जा रहे थे तो मर्डर करवा दिया था। हम लोग को पता नहीं था कि इतने इतने बात के लिए वो हत्या ही करवा देगा, मेरे घर का रौनक ही लेके चला जाएगा, मेरे घर की खुशियां ही छीन लेगा। अब आप लोग कुछ अब शांत हुए हैं ना जी? आप लोग जो मांगे कर रहे हैं आपको पूरा हो रहा है? आप लोग चाहते हैं कि बस जो अभी तक शूटर नहीं पकड़ा, कहां पूरा हम लोग की मांग हुई है? अभी तक शूटर नहीं पकड़ाया है, अभी तक जो लाइनर का काम किया अभी तक नहीं पकड़ाया है। प्रशासन में कमी है, प्रशासन में कमी मांगते हैं भाई? सरकार तो आपकी पार्टी की है ना? सरकार है पार्टी की, लेकिन अब न्याय जरूर होगा। जंगल राज मानते हैं इसको? जंगल राज मानते हैं? खत्म होगा जंगल राज ना? राष्ट्रीय करने लगे और काहे बार बार आने लगे, लास्ट में नहीं आया था। और मैं क्या बात हुई है? क्या चिराग भैया से बोले हैं न्याय दिलाएंगे हम लोगों की, काम होगा।